एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं रमन मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल परीक्षा प्लस पर। दोस्तों, आज जो हम बिंदु पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अलग अलग आपके एग्जाम्स में बहुत सारे इससे क्वेश्चंस बनते हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका तो मिनिमम यहां से पॉलिटी से उठा ही लिया जाता है। इसका नाम है आपका संविधान की प्रस्तावना, यानी प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल यानी है क्या? प्रियम्बल को संविधान की भूमिका के तौर पर जाना जाता है, यानी प्रस्तावना किसी भी देश की प्रस्तावना है अगर संविधान की, तो उसको उस देश के संविधान की भूमिका के तौर पर जाना जाता है। विश्व में प्रस्तावना का जो विचार है, सबसे पहले अमेरिकी संविधान में इसको अपनाया गया था। अमेरिका ने सबसे पहले अपने यहां संविधान में प्रस्तावना को जगह दी। हमने अपने भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से सीख कर शामिल किया है। अगर प्रस्तावना का आज का मैं स्वरूप आपसे बात करूं, तो वर्तमान स्वरूप प्रस्तावना का इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यह संविधान का वर्तमान स्वरूप है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। यह 3 जनवरी 1977 को ऐसा वर्तमान स्वरूप देखने को मिला जब हमने आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना को संशोधित करके, केवल एक बार आज तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको हमने संशोधित किया। फिर 3 जनवरी 1977 की बात है जिस दिन यह वर्तमान स्वरूप आपका सामने आया। अब मैं बात करता हूं भारतीय संविधान में सबसे पहली चीज कि विश्व में सबसे पहला वह देश रहा जिसने प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया, तो विश्व में सबसे पहला देश था आपका अमेरिका। यहां से सवाल पूछा है, सबसे पहला देश प्रस्तावना को शामिल करने वाला यह है आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरी बात अगर मैं करूं कि संविधान में इसको बोलते क्या है, तो प्रस्तावना को संविधान की क्या कहते हैं? भूमिका कहते हैं। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग कमेंट आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें वो चीजें ये हो गया। दूसरी चीज, प्रस्तावना का आदर्श कहां से लिया गया? प्रस्तावना का आदर्श भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से शामिल किया गया है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की गई है। दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, अपने आप में एक तरीके से विवादास्पद है कि प्रस्तावना कहां से, विचार कहां से लिया गया? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। वही चीज अन्य बिंदुओं पर मैं बात करूं, भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान में जो आपकी प्रस्तावना है, यह सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक, यहां से प्रश्न पूछता है, अगला प्रश्न आपका तैयार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक किस दिन हुई थी? ध्यान करिए, मैंने आपको बताया है संविधान सभा की तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया। तीसरी बैठक इसकी थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेकर आए थे। उस समय इस प्रस्ताव का नाम था आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी संविधान हमारा किन उद्देश्यों के लिए बनना है, हिंदी में इसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। हमारा संविधान किन उद्देश्यों के लिए बनेगा, कौन कौन से हमारे उद्देश्य हैं, हमारा लक्ष्य क्या है संविधान बनाने का, इन सारे बिंदुओं को शामिल करके पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर संविधान सभा के समक्ष संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को लेकर आते हैं। दूसरा सवाल, पहला तो यह हो गया, दूसरा सवाल पूछता है संविधान सभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को किस दिन मंजूरी दी, ठीक है, या अंगीकृत किया? तो
13 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा में पेश हुआ और संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसको मंजूरी मिली। 22 जनवरी 1947 दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल लगातार पूछे गए हैं। 22 जनवरी 1947 को यह संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे वो ऐसा नहीं था जैसा दिख रहा है आपको। ये प्रस्ताव लेकर आए, उनमें कई पॉइंट्स थे, लगभग 14-15 पॉइंट थे। उन सारे बिंदुओं पर बाद में इस प्रस्ताव को संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर वीएन राव, जो बीएन राव थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को संशोधित किया। संशोधित करने के बाद एक उन्होंने उसका प्रस्ताव तैयार किया, फिर उस प्रस्ताव पर संविधान सभा को तैयार करने के लिए जो प्रारूप समिति बनी थी डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में, उसने उस प्रस्ताव में फिर से तमाम संशोधन किए, फिर बाद में इसको सबसे अलग से पारित कराया गया है। इसको सबसे अलग से पारित कराया गया संविधान सभा में, और वो डेट क्या है, 22 जनवरी 1947। उस दिन संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को माना। तो इसका प्रारूप किसने तैयार किया, लेकर तो आए विचार कौन, उद्देशिका के पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन संविधान सभा में जो संवैधानिक सलाहकार थे बीएन राव, उन्होंने इसके प्रारूप को संशोधित किया, फिर वो जिम्मा दिया उन्होंने किसको, प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति ने इसमें तमाम परिवर्तन किए और परिवर्तन करने के बाद फिर इसको संविधान सभा में पारित कराया। अगला बिंदु इसमें, इसके बाद अगर देखें जब, हां एक पॉइंट, जब सारे के सारे आपके जितने और काम प्रारूप आए थे, प्रस्ताव आए थे, वो पारित हो गए, तो इसको सबसे बाद में अलग से पारित कराया गया था। अब हम बात करते हैं संविधान सभा से कुछ अन्य सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित सवाल। पहला तो मैंने भाषा के रूप में स्पष्ट कर दिया कि इसकी भाषा कहां से ली गई। इसकी भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, इसको ना भूलिएगा, क्योंकि कई बार अलग अलग उसमें एग्जाम में पूछा गया है। वहीं से दूसरी सवाल है, कुछ आपके संविधान वेत्ता हैं, जैसे आपके एनके पालकी वाला, उन्होंने संविधान में जो आपकी प्रस्तावना है, संविधान में प्रस्तावना को एक तरीके से किस रूप में शामिल किया है, इसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय, सीधा सीधा क्वेश्चन कहा है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो एनके पालकी वाला ने। दूसरी चीज हम बात करें, जो के एम मुंशी हैं, ठीक है, कन्हैया लाल माणिकनाथ मुंशी ने, इन्होंने इस प्रस्तावना को संविधान का एक तरीके से क्या बोला था, इसको राजनीतिक उन्होंने जनपत्री कहा, ठीक है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोलते हैं जिसको आप, उन्होंने इसकी संज्ञा दी थी। वहीं अगर हम बात करें अपने एक मशहूर संविधान वेत्ता की, सुभाष कश्यप की, तो उन्होंने संविधान के बारे में, इसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में यह टिप्पणी दी कि अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना क्या है, उसकी आत्मा है। यानी संविधान अगर अट्टालिका है तो जो प्रस्तावना है वो उसकी बुनियाद है। यह सुभाष कश्यप के द्वारा बयान दिया गया था, टिप्पणी की गई थी इन पर। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद कुछ अन्य बिंदुओं पर, हम बात करेंगे, और वह अन्य बिंदु कौन कौन से हैं, एक एक चीजें लेकर मैं स्पष्ट करता हूं। सबसे पहली चीज आपकी है, क्या प्रस्तावना न्यायोचित है या नहीं, ठीक है, सोचिए क्या प्रस्तावना न्यायोचित है, यानी इस पर वाद विवाद हो सकता है, तो प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है, इसको हम न्यायालय में ले जाकर के खड़ा नहीं कर सकते, इस पर हम वाद नहीं कर सकते। तो पहली चीज स्पष्ट हो गई कि प्रस्तावना आपकी न्यायोचित नहीं है। वही दूसरे बिंदु पर आता हूं मैं, आज प्रस्तावना में संशोधन किस प्रकार से हो सकता है, तो प्रस्तावना में संशोधन केवल किस प्रकार से, अनुच्छेद 368 के जरिए किया जा सकता है, और वो भी क्या, जो मूल संविधान है, मूल प्रस्तावना है, इस मूल प्रस्तावना में कोई भी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, यानी इसके जो जो शब्द लिखे हैं उनको हटाया नहीं जा सकता है। आगे मैं बात करता हूं, तो एक ये सवाल पूछा है कि प्रस्तावना अब तक कितनी बार संशोधन हुए हैं, तो वो चीजें अब मैं मेन चीजें आपको बताता हूं, ठीक है। भारत को प्रस्तावना क्या घोषित करती है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। यह पूछता है कि भारत है एक, फिर चार ऑप्शन बना देगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऐसे इनमें चारों में चेंज कर देता है। तो भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। उसके बाद पूछता है कि प्रस्ताव में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय, बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछता है एक सवाल,
ये सारे सवाल आए हैं। संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो संविधान में स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की व वासना की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया है। उसके बाद पूछता है आपसे कि संविधान में कितने प्रकार के आपके बंधुत्व की बात की गई है? तो देखिए, प्रतिष्ठा समता, यानी दो आपकी समानताएं होनी चाहिए, तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व होना चाहिए। ठीक है, तो इतने प्रकार के बंधुत्व की व्याख्या की गई है। तो ये सारी चीजें याद करिएगा कि भारत की प्रकृति क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। कितने प्रकार की न्याय, न्याय का आदर्श कहां से लिया गया, यह भी पूछा गया। न्याय का आदर्श यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, यानी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय यहां के हम नागरिकों के दिलाएंगे। भारत में सबका स्रोत क्या है, तो वो है हम भारत के लोग, यानी सबसे बड़ा क्या है, संविधान से भी ऊपर बैठा है भारत का हर नागरिक। ठीक है, भारत में सर्वोच्च कौन है, जनता, यही वाक्य सब कुछ बता देता है। ठीक है, हम भारत के लोग, यानी भारत में सर्वोच्च कौन है, संविधान ना सर्वोच्च है ना अन्य व्यवस्थाएं, भारत में सर्वोच्च है वहां की जनता, यानी हम लोग। ठीक है, तो ये चीजें, तो संविधान का लक्ष्य क्या है, संविधान का लक्ष्य है आपका, देखो संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या क्या बताती है। एक तो भारत की प्रकृति घोषित करती है, 4 चीजें मुख्य हैं। भारत की प्रकृति घोषित करती है, कैसी प्रकृति है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। दूसरा, इसके नागरिकों को न्याय दिलाने की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, स्वतंत्रता की बात करती है, बंधुत्व की भावना का उल्लेख है, और इसकी जो डेट है वो डेट क्या है कि 26 नवंबर 1949 को इस भारतीय संविधान को हमने क्या किया था, अंगीकृत किया था, और 26 नवंबर 1949 से ही आपके कुछ आपके ऐसे आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, जो इसी दिन भारतीय भारत देश पर लागू हो गए थे। 16 उन अनुच्छेदों की संख्या है, उनको भी पूछा है। बाकी जितने बाकी बचे अनुच्छेद थे वो आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुए पूर्ण रूप से संविधान। तो 26 को संविधान अंगीकृत हुआ, इसीलिए 26 नवंबर को आपको क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह भी आपसे सवाल पूछता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद के बारे में, कई बार सवाल पूछे तो एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। हां, एक चीज और स्पष्ट, इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, ऐसा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के राज्य में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया जा चुका है। तो अब हम इसके बाद डालते हैं, जितने सवाल इससे पूछते हैं वो सारी चीजें मैंने स्पष्ट कर दी, इसके अलावा इनसे सवाल और नहीं पूछे गए हैं और बंद ही नहीं रहे। हाँ, एक पॉइंट और पूछता है, और वो होता है आपका कि इससे जुड़े कुछ आपके प्रमुख केसेज हैं, उनके बारे में एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं, किस केस में क्या निर्णय है, उनसे संबंधित सवाल आपके पूछता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इनसे संविधान जो है संविधान की प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण वाद। अगला पॉइंट आपका, चलिए अब हम देखते हैं प्रस्तावना से जुड़े आपके महत्वपूर्ण जो केसेस हैं, मैंने उनको सीधा सीधा लिख दिया है समय के अभाव में। बेरुवाड़ू संघवाद, ठीक है, 1960 का यह मामला है। यह मामले से सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछता है बेरुवाड़ी संघवाद से, कि इसी में यह स्पष्ट हुआ था, इसी में यह केस आया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय अपना दिया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया बेरुवाड़ी संघवाद में 1960 में कि प्रस्तावना आपका किसका संविधान का अंग नहीं है। वही चीज दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी बात है आपकी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में। ठीक है, यह केस 1967 का है। 1967 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जहां पर आपके संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं कि उनका अर्थ स्पष्ट नहीं है, वहां पर हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं, प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। उसके बाद एक केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, यह केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 का यह केस रहा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो किसमें अंग नहीं है,
ये बात आई, ये आई थी भेरूवाड़ी संघवाद के मामले में 1960 में, बाद में 1973 की बात है, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, यानी अपने दिए गए पूर्व निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित किया यानी पलट दिया, और फिर अपना यह निर्णय दिया कि जो है जो प्रस्तावना है आपकी वो संविधान का एक अंग है। उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूं, ये चौथा रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद, ये जो केस रहा 1993 का केस है, इसमें एक बात ये बताई थी इसने, ये बात उस समय चल रही थी रघुनाथ राव बनाम भारत संघ राज्य में, कि अपने यहां विधि के लिए स्रोत क्या है, कि विधि के लिए क्या कोई भी ऐसा विधि है, ऐसी विधि का मतलब लॉ कानून, कोई भी ऐसा कानून है वो सारे के सारे कानून का स्रोत प्रस्तावना है, यानी सोर्सेस के रूप में सारे के सारे कानूनों को प्रस्तावना से ही हम लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खारिज किया, उसने ये कहा कि संविधान में जो विधियां हैं, ठीक है, और वो विधियां जो संविधान के हर एक अनुच्छेद में उल्लेख है, वो सब विधियों के स्रोत के तौर पर कार्य करेंगी। तो रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद में यह स्पष्ट हुआ कि विधियों का स्रोत प्रस्तावना नहीं है, विधियों का स्रोत आपका अनुच्छेद है, उसमें दिए गए आर्टिकल्स हैं। उसके बाद एसआर बंबई का जो केस रहा, एसआर बंबई का जो केस है 1994 का केस है, इसमें भी जो है उसको प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अंग घोषित किया था, इसमें फिर से घोषित किया था एसआर बंबई के केस में। और उसके बाद एलआईसी ऑफ इंडिया का केस है, ये 1995 का केस रहा, इस 1995 के केस में भी इसने सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना निर्णय दिया कि संविधान का अभिन्न अंग क्या है, प्रस्तावना है। तो ये आपके छह केसेस जो हैं, जो आपके से बार बार एग्जाम में पूछता है, और ये पूछते हैं प्रीएम्बल से जुड़े भी हैं, प्रीएम्बल पर आधारित ये सारे के सारे केसेस हैं। तो एक बार इनको आपको ध्यान रखना है कि किन केसेस में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं, तो यहां तक प्रीएम्बल आपकी जरूरी होती है कि आप इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखें। बाकी इसके बाद जो आपका अगला पार्ट चलेगा वो हम बात करेंगे पार्ट वन के बारे में, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग एक किन विषयों से संबंधित बात करता है। उसी में हम बात करेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन जो आयोग बनाया गया, कैसे कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ। धन्यवाद, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।